साथियों, आज 2 जनवरी 2023 नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं जयलाल नगर राजस्थान झालावाड़ सुनेल क्षेत्र के एक छोटे से गांव पावड़ीकेड़ा से आपके बीच में आज मुझे नेशनल लेवल के इस ट्रेनिंग सेशन में अवसर मिला है और ये सबसे बड़ी मेरे जीवन का सेशन है। 1000 लोगों के बीच में अवसर मिलना छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए मैं मेरे अपलाइन श्रीमान प्रेम कुमार जी यूपी बरेली से, श्रीमान नेमराज सर, श्रीमान जी रामदेव सर, इन सभी सीनियर लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एंकरिंग के पार्ट को निभाने की जिम्मेदारी दी। साथियों, इतने बड़े मंच पर बोल पाना असंभव है, लेकिन इस दुनिया में असंभव किसी कार्य को नहीं समझा गया है। आज आप सभी साथियों से अनुरोध है रोजाना की भांति कि हम सभी ट्रेनिंग सेशन के पार्टिसिपेट ऑप्शन में जाके स्क्रीनशॉट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भेजें, शेयर करें, जिससे हमारी गतिविधि का पता चल सके कि हम आज का ट्रेनिंग सेशन कहाँ, किस जगह, कौन सा ले रहे हैं, ताकि सभी मित्र लोग हमें पहचान सके। 1 मिनट का समय है, समय ज्यादा हो चुका है, इस गतिविधि को फटाफट करें ताकि पता चल सके कि हम कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रिय हैं और किस तरीके से अपन काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथियों, आज का जो सेशन होने वाला है वो इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना बढ़िया होने वाला है। आज के जो ट्रेनर हैं कौन हैं, कहां से हैं, क्या आज हमें नया सिखाने वाले हैं, इतना बढ़िया ट्रेनिंग सेशन होने वाला है कि जो आज यहाँ 1000 लोग हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है सन 2023 के इस नववर्ष के समय पर। सभी साथी इस गतिविधि को पूर्ण करें, मैं भी इस गतिविधि को पूर्ण करता हूं। साथियों, वापस दोबारा आप सभी का स्वागत है इस आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आपसे दोबारा मेरा एक निवेदन है कि जहां कहीं भी अगर हैं, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, तो सिर्फ आगामी हमारे पास 40 मिनट का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस ट्रेनिंग सेशन को जीवन में याद किया जाएगा, ऐसा ट्रेनिंग सेशन, ऐसी जानकारी आपके आपको मिलने वाली है। साथियों, मेरे बारे में 1 मिनट का समय लेके मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मैं पिछले 14/4/2022 को इस परिवार में शामिल हुआ फोर्सेस प्लेटफॉर्म पे, और वर्किंग करते हुए अगर माना जाए तो पिछले 5 महीने से मैं वर्किंग कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और इस 5 महीने का रिकॉर्ड हमारे सीनियर लीडर्स के आशीर्वाद के माध्यम से 16,039 BUSD की अर्निंग हुई है। लगभग INR में अगर बात करें तो 13,95,000 प्लस की इनकम है। टुडे अर्निंग की अगर बात करें साथियों तो 8,000 प्लस की अर्निंग है। इस प्लेटफॉर्म पे अपन हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं यह हम सब लगभग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नए साथी भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हैं। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रहे साथियों, जिसमें हम सोच नहीं पाते हैं उतने बड़े लेवल पर हम जा सकते हैं। और उसी की जानकारी और उसी को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे जाबाज लीडर है, जिनके माध्यम से
आपका ये सन 2023 का जो साल है, ये आपके जो सपने हैं वो सारे साकार करने के लिए 2 तारीख का ट्रेनिंग सेशन जबरदस्त होने वाला है। इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि हर किसी को वो अवसर नहीं मिलता है जो अवसर हम 1000 लोगों को मिला है इस परिवार में कार्य करने का। तो हम खुश नसीब हैं, जाने कौन से जीवन में कौन सा कार्य किया होगा, उस कार्य के मुताबिक हमें यह अवसर मिला है। तो इस अवसर को और इस टाइम को और इस समय को हमें महसूस करना पड़ेगा, और इस समय को महसूस करते हुए अब ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा। मैं अब 2 लाइनों के माध्यम से मैं जाबाज लीडर को इन्वाइट करने वाला हूँ, उन लीडर्स को इन्वाइट करने वाला हूँ। तो क्या आप उन लीडर को सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहेंगे तो एक बार आप सभी हैंड्रेस के माध्यम से अवगत करवाएं, क्योंकि यहाँ अगर 1000 अगर लोग हैं, 1000, तो महसूस होना चाहिए कि हाँ वास्तव में हम यहाँ टाइम पास नहीं बल्कि सन 2023 के करोड़पति तो छोटी सी बात होती है इस प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अरबपति की लिस्ट में जाने वाले हैं। यहां अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में अगर इस ट्रेनिंग सेशन को लेते हैं तो जो मेरे मुख्य द्वारा जो शब्द निकले हैं ये कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हैं। साथियों, मैं अब 2 लाइनों के माध्यम से इनवाइट करने वाला हूं ऐसे जाबाज लीडर को जिनको आपको ध्यान से सुनना और समझना है कि भटकते हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटकते हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया, मेरी जिंदगी में आया है तू इस तरह जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा बन गया। साथियों, उन्हीं लीडर्स की बात कर रहा हूं जिस लीडर के मार्गदर्शन के आधार पे मुझे ये उपलब्धि मिली है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अभी इनवाइट करने वाला हूं मैं ऐसे जाबाज लीडर, जबरदस्त लीडर को जिनका नाम है श्रीमान महेंद्र मौर्य सर, जो कि यूपी बरेली से। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है, और आज के इस ट्रेनिंग सेशन को शानदार और जबरदस्त बनाकर हमें सभी साथियों को मार्गदर्शित करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच जयनागर सर। क्या मेरा वॉइस प्रॉपर है? प्रॉपर है सर। ओके, डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र मौर्य फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और आप सभी लोगों का इस आफ्टरनून सेशन में दिल की गहराइयों से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जयलाल नागर की एंकरिंग के लिए, बहुत ही सरल भाषा में और एक शुद्ध हिंदी में जो सर ने एंकरिंग की है। सर, आज आपने दिखा दिया कि वाकई में जर्नलिज्म का असली मतलब क्या होता है। जैसे जर्नलिस्ट में आप एंकरिंग करते हैं उस प्रकार की आपने एंकरिंग की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बिग धन्यवाद मैं करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रेम सर, मिस्टर रामदेव सर, मिस्टर नेमराज सर, जिन्होंने मेरे को आज इतनी बड़ी उपलब्धि दी और इतना बड़ा मेरे ऊपर विश्वास किया कि सर आज आपको 2 बजे वाला सेशन कंटिन्यू करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस जिम्मेदारी को मैं अपनी पूरी बखूबी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा और आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आज मेरे मेंटोर को भी लगे, मेरे अपलायन को भी लगे कि मैंने जिस इंसान को आज सेशन के लिए चुना वो मैंने बिल्कुल राइट चुना, और मैं ये अपॉर्चुनिटी बार बार सर से अपने लिए लेता रहूं। तो आप सभी लोगों का पुनः वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, 2:13 हो चुके हैं, मैं इस सेशन को लगभग 25-30 मिनट आपके बीच में कंटिन्यू करने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप पूरे डेडिकेशन के साथ में इस सेशन को सुने, कोई भी इस सेशन से बार बार लेफ्ट ना हो, बार बार ज्वाइन ना हो। अगर आपके आसपास कोई म्यूजिक बज रहा है या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते हुए आप इस सेशन को ना लें, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमें सुरक्षा भी जरूरी है। अगर आप इस सेशन को लेंगे, अगर आप बैठे हुए हैं, हमारे सैकड़ों लोग वेटिंग में रहते हैं, हमारा जब हाउसफुल हो जाता है तो सैकड़ों लोग वेटिंग में रहते हैं, और आप इस सेशन में आने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं सीखते हैं और उसके बाद में क्या है कि वो लोग शायद मायूस होके चले जाते हैं, सेशन में नहीं आ पाते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा।
अगर हम अपनी लाइफ के 20 से 25 मिनट किसी चीज को सीखने में नहीं दे पाते हैं तो डियर फ्रेंड्स सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे। तो आज मेरा जो सेशन है, मैं आपको बता दूं, आपको जब लिंक मिला होगा तो उस पर टॉपिक आपको नजर आया होगा कि ऑफलाइन वर्क और ऑनलाइन वर्क में हमको क्या डिफरेंट है और किस प्रकार का उसमें अंतर है, हमारे कहां से क्या लाभ है, ऑफलाइन वर्क करने से क्या लाभ है क्या हानि है, ऑनलाइन वर्क करने से हमारे लिए क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है। ये सारी चीजों को मैं आज आपको कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप सब लोग बिल्कुल रेडी हैं सेशन को लेने के लिए तो मुझे एक बार हैंड रेस के माध्यम से बता दें कि हाँ इस टॉपिक पे हम लोग सेशन को लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। वाह ग्रेट। जब आप लोगों का डेडिकेशन देखता हूं ना, जब आप लोगों का इस प्रकार का उत्साह देखता हूं तो इस उत्साह को देखकर लगता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा देके जाऊं ताकि आप लोग अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बेहतर तरीके से और बहुत ही सुटेबल तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग रेडी हैं। अब मैं आपको, अगर आपके पास में डायरी है, पेन है, अगर कोई कॉपी है या कोई कागज है, आप उसको फटाफट से निकाल लीजिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमको सामने सुनते हुए तो ऐसा लगता है मुझे याद हो जाएगा, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, याद करने की बारी आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। ये बहुत सारी गलतियां हम लोग लाइफ में करते हैं, उन गलतियों को हमें नहीं करना है, और जब तक हम गलतियों को सुधारेंगे नहीं, गलती हर इंसान से होती है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ इस चीज पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन है, वो लाइन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बार बार हम अपने महापुरुषों का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई चीज बोली है तो वो इसलिए बोली है कि वो बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है और उन्होंने उससे प्रैक्टिकल किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स वो लाइन है, आप गलती एक नहीं हजार करो, आप गलती एक नहीं हजार करो, लेकिन कोई भी गलती आप दोबारा मत करो। अगर मान लो आपसे कोई गलती एक बार हो गई तो आप उस गलती को दोहराओ मत, अगर आप दोहराएंगे तो इससे क्या होगा कि आप गलत ठहरेंगे। अगर आपसे अनजाने में गलती हुई है, अगर आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, आप आगे स्मूथ तरीके से बढ़ पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम लोग कोई ना कोई गलती करते हैं तो उस गलती से ही सीखते हैं और उस गलती को हमें दोबारा नहीं करना है, ठीक। तो बात करते हैं ऑफलाइन बिजनेस की, पहले मैं ऑफलाइन बिजनेस की बात करूंगा, उसके बाद मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूंगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन में क्या है और ऑफलाइन में क्या है। डियर फ्रेंड्स ऑफलाइन की बात करूं तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, एक साल नहीं, दो साल नहीं, बल्कि 10-10 साल, 5-5 साल काम किया। डियर फ्रेंड्स आप हैंड्रेस ना करें, मैंने हैंड्रेस करने के लिए नहीं बोला है, बस मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में हमने काम किया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता था, सबसे पहला जो काम होता था हमको मार्केट में एक करीब 7-8 किलो का बैग पूरा भर के हमको निकलना होता था, ठीक है। ये है ऑफलाइन के मैं काम के तरीके बता रहा हूं, आपको लाभ और हानि अपने आप ढूंढना है कि हमें कैसे वर्क करना है। उसके बाद में हमें ड्रेस कोड मेंटेन करना होता था, अगर हमारा बजट भी नहीं था। डियर फ्रेंड्स मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क स्टार्ट किया तो मेरे पास में इतना बजट नहीं था कि मैं एक जोड़ी शूज भी खरीद पाऊं, वो भी फॉर्मल, ठीक है। तो हमको वहां पे क्या जरूरत पड़ती है, फॉर्मल शूज की जरूरत पड़ती है, हमको एक पर्सनालिटी यानी ड्रेस कोड की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में हमको एक बैग की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में हमको एक बाइक की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में हमको क्या है, एक मेंटेनेंस करने के लिए जेम खर्चे की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में प्रोडक्ट बेस में कोई भी पैसा नहीं आता है, क्यों नहीं आता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां पे इंस्टेंट मनी नहीं है, इंस्टेंट अर्निंग नहीं है। यानी यहाँ पे अगर वर्क करोगे तो कुछ कंपनियों में एक सप्ते के बाद चेक आता है, कुछ कंपनियों में 15 दिन के बाद आता है, कुछ कंपनियों में 1 महीने के बाद आता है। ये है ऑफलाइन का काम। अब जैसे ऑफलाइन अगर फोर्सेज में काम करना हो तो मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन अगर फोर्सेज को आप कर रहे हैं तो ऑफलाइन में हमारा क्या अंतर है, यही हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, कि सबसे पहला रिस्क हमको, अगर हम सड़क पे निकलते हैं तो दुर्घटना का रिस्क हमारे साथ में है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ये हमारा सबसे पहला रिस्क है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, हमारा जो पेट्रोलिंग का खर्चा है, जैसे मान लो जिसे बोलते हैं फील्ड वर्क में हमारा खर्चा आता है, वो खर्चा हमारा ऑफलाइन में लगता है। नेक्स्ट हमारा फोर्सेज वालों का टाइम बहुत कीमती है, आप
टाइम की कीमत को समझिए, टाइम की, जिसके पास में टाइम की कीमत की वैल्यू है वही इंसान आज लाइफ में आगे बढ़ पाया है। हमारे पास में टाइम की बहुत कीमत है। अगर कोई व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, उसे प्लान देने जा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, तो डियर फ्रेंड्स आप अपने घर से निकलेंगे और आप हड़बड़ाहट में निकलेंगे, आपके जो पहले से टीम बनी हुई है वो टीम आपको कॉल करेगी, और जब आप उनका कॉल नहीं उठा पाएंगे, हड़बड़ाहट में आप कॉल उठाएंगे, कभी बाइक चलाते हुए कॉल अटेंड करेंगे, कभी आप कहेंगे सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सेशन में नहीं आ सकता, मैं कहीं गया था। तो इससे क्या होगा, एक ऑफलाइन वर्क में हमारा 90% काम बिखर जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ऑफलाइन में हमारा 90% काम क्या है, बिखर जाएगा। जो आपके साथ में ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आप उनको समय नहीं दे पाएंगे। ये पहला यहाँ से है। दूसरा मैं आपको बताऊं, सामने वाले को जब आप प्लान देने जा रहे हो, तो उस व्यक्ति को तभी हम प्लान देने जा सकते हैं जब ऑनलाइन उसने हमारे साथ में 2-4 मीटिंग अटेंड की हैं। अगर 2-4 मीटिंग उस सामने वाले ने अटेंड नहीं की हैं, अगर आप उसके पास में जा रहे हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन ही हो जाए। ठीक है, वो भी देखेगा आपको कि आप कितना देख सकते हो। अगर सामने वाला आपसे उम्र में बड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ही ले लेता हूँ, कुलदीप सर हैं प्रयागराज से, उनकी एज अभी 20 साल है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने वर्क किया तो आज उनका जो इनकम है वो लाखों में है, ठीक है, करोड़ पे पहुंचने वाले हैं, 30,000 प्लस की टीम के लगभग पहुंचने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वो किसी के सामने जाएं, या कोई 40-50 साल का जो व्यक्ति है जो ऑनलाइन ज्वाइन होना चाहता है लेकिन वो फिजिकल मीटिंग करना चाहता है, तो सामने वाला बोलता है ये बच्चा मुझे सिखाएगा, ये बच्चा मेरे को बताएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो आ जाएगा कि इसकी तो उम्र ही नहीं है मेरे बराबर, ये मेरे को क्या सिखाएगा। ऑफलाइन ये चीज ये है। अब सामने ऑफलाइन में क्या है, आपका समय का ज्यादा बर्बादी है। अभी ठंड पड़ रही है, ठंड में मान लीजिए आपको सुबह सुबह उठ के कहाँ जाना है, आपको फील्ड में निकलना है, आपका मन नहीं कर रहा है, कोहरा बहुत आया है, आप कार से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्केबल है। हमको क्या करना है, पैसा कमाना है, लुटाना नहीं है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाना बहुत बड़ी बात है, और फोर्सेज आपका पैसा बचाता है। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा कि ऑफलाइन में कितना रिस्क है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन काम करना काम मत करिए, करिए, लेकिन समय के अनुसार करिए। अब मान लीजिए मेरी टीम जो है वो 1100 प्लस की टीम है, 1100 प्लस की टीम को छोड़ के अगर मैं किसी को ऑफलाइन समझाने जाऊंगा, और वो 11 अगर मेरा सेशन 1 बजे भी चलता है, 12 बजे भी चलता है, नाइट को 9 बजे भी चलता है, अगर मैं लेट नहीं भाई पहुंच नहीं पाया सेशन में, और वहां पे वो लोग मायूस होके 100-150 लोगों का जो सेशन होता है वो मायूस होके लौट जाएंगे कि अरे आज तो सेशन ही नहीं हुआ। जो लोग ऑफलाइन में विश्वास रखते हैं, वो लोग आप सोच के देखिए, आज तक हमने ऑफलाइन ही काम किया है। ऑफलाइन हमने क्या नहीं किया, ऑफलाइन हमने प्रोडक्ट बेचे, ऑफलाइन हमने प्लान दिए, टेबल टू टेबल, होम टू होम प्लान दिए। क्या हुआ उनसे, पेट्रोलिंग का खर्चा हुआ, ठीक है, ड्रेसअप का खर्चा हुआ, रिस्क हुआ। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैंने देखा है MLM कंपनी में, आज वो दुनिया में नहीं है, पता चला कि वो प्लान देने जा रहे थे और उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। हमको हालांकि गलत वे में नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी 1% तो सोचना ही पड़ेगा कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में अंतर क्या है। ये तो हुई ऑफलाइन की बात, आपको ऑफलाइन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फोर्सेज को ही आप देख लेते हैं, आप बात कर लेते हैं ऑनलाइन की। ऑनलाइन अगर हम वर्क करते हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपको वर्क फ्रॉम होम, यानी सबसे पहले आपको घर पे रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं कमाने के लिए घर से बाहर निकलो, लेकिन फोर्सेज कहता है घर पे रहो, फैमिली के साथ रहो। आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, ठीक है, एक बार में आप 1000 लोगों को समझा सकते हो। जैसे आज ये हमारा 1000 वाला सेशन चल रहा है, अगर ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता, हमको मिलना होता। LDP में जाते हैं हम लोग, LDP में जाने के बाद में जब हम वहां पे पहुंचते हैं, तो 1000 लोग नहीं, 100 लोगों के पहुंचने पर ही वहां पे किस तरीके से पहुंचते हैं, हमारा कितना खर्चा हो जाता है डियर फ्रेंड्स, वो तो LDP है। महीने में 3 से 4 महीने में अगर हो गई, 6 महीने में हो गई, तो वहां तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे एंजॉय करते हैं हम लोग, काम की वहां पे बात नहीं करते, वहां पे सिर्फ ओनली एंजॉय होता है, ठीक है। अब अगर मैं 1000 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए बुलाता, मुझे क्या करना पड़ता, हॉल बुक करना पड़ता, वहां पे उनको नाश्ते का इंतजाम करना पड़ता, ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, और उसके बाद 1000 लोगों की गैदरिंग के लिए संभालने के लिए
मैनेजमेंट भी जरूरत होता, ठीक है। वहां पे 6-7 लोग उनको संभालने में ही रहते, कुर्सी को लगाने के लिए कोई व्यक्ति कहता मेरे को पानी की जरूरत है, कोई कहता मेरे को ये चीज की जरूरत है, और सेशन 1 ही घंटे का होता, ठीक है। तो 1000 लोग यहाँ पे 1 घंटे में मैं 1000 लोगों को समझा सकता हूँ, ये है ऑनलाइन की पावर। इसमें मेरा क्या बचा, मेरा ये बच्चा जो रिचार्ज मैं पहले से यूज कर रहा था वही रिचार्ज में मैंने सेशन कर लिया, मुझे रिचार्ज अलग से करने की जरूरत नहीं है अपने फोन में। नेक्स्ट, मेरे को फोन नया लेने की जरूरत नहीं है, जो फोन मेरे पास में पहले से है उसी को मैं सिर्फ क्या है जूम ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे मैं आप लोगों को सेशन दे दूंगा। नेक्स्ट, जिस गेस्ट को मैं यहाँ पे इनकम करने के लिए या फिर उनको प्लान देने के लिए जा रहा हूँ, उन शख्स को मैं एक बार कहूंगा कि सर ऐसा है आप जूम ऐप डाउनलोड कर लो और मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखा दूंगा, तो मेरा जो जाने का 2-3 घंटा है मैं और लोगों को भी वहां पे लिंक भेज दूंगा और 8-10 लोगों को मैं नया प्लान ऑटोमेटिकली ऑनलाइन उनको सिखा सकता हूँ। मेरा टाइम बचा, मेरा फील्ड में जो खर्चा होने वाला था वो बचा, ठीक है, मेरा ड्रेसअप का खर्चा बचा, ये है ऑनलाइन की पावर। आज आप देखते हैं कि ऑनलाइन वर्क में हम लोग जो 40-40 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख 27-27 लाख 1-1 करोड़ रुपए हमारे सीनियर्स और हम सब लोग मिलके कमा पा रहे हैं, ऑनलाइन की वजह से कमा पा रहे हैं। इतनी बड़ी गैदरिंग है यहाँ पे, 1000 का सेशन फुल ऑटोमेटिकली हो जाता है, मॉर्निंग का 7:55 वाला, 2 बजे वाला हमारा। तो ये क्या है, ये सब लोग ऑनलाइन बिजनेस में वर्क करना चाहते हैं। ऑनलाइन वर्क हमको कैसे करना है, अगर न्यू व्यक्ति है कोई उसको जूम ऐप चलाना नहीं आता है, आप उसको एक बार जूम की ट्रेनिंग दे दो, आपको बार बार उसको समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है बस आप उस व्यक्ति के पास में पहुंच जाओ और आप उसको लिंक प्रोवाइड करा दो, वो व्यक्ति आपके सेशन में आने लगेगा। यहाँ पे 1000 लोगों को ऑफलाइन जाके आप लोग नहीं समझा पाएंगे, कोई आपके लोकेशन से 50 किलोमीटर दूर है, कोई आपके लोकेशन से 1000 किलोमीटर दूर है, कोई आपकी लोकेशन से 2000 किलोमीटर दूर है, और कोई तो आपकी लोकेशन से विदेश में भी है, क्योंकि हमारी रॉयल टीम ग्लोबल में और टीम ग्लोबल में लोग पाकिस्तान से भी हैं। अगर आपके व्यक्ति टीम में कोई व्यक्ति पाकिस्तान से है तो आप क्या करेंगे, आप उन व्यक्तियों को जाके पाकिस्तान नहीं समझा सकते, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन की पावर है। तो आप खुद तय करिए कि एक ऑनलाइन में और एक ऑफलाइन में क्या अंतर है, ठीक है। तो सभी लोगों का हैंड रेस चाहूंगा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करिए फटाफट से, फिर आगे का सेशन में कंटिन्यू करता हूँ। वाओ ग्रेट, यानी कि काफी लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ऑनलाइन के हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन वर्क से सिर्फ ओनली। एक चीज और है, जब हम कोई जॉब करते हैं ऑफलाइन करते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। हजारों रिश्ते इस दुनिया में, इस इंडिया में मैंने देखे हैं, हजारों रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए कि पति मेरे को टाइम नहीं दे पाता है, पत्नी मेरे को टाइम नहीं दे पाती है, इसलिए मैं उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ, डिवोर्स चाहता हूँ, ठीक। इससे क्या है, हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके साथ में हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये है ऑनलाइन की पावर। ऑफलाइन की पावर, आप 8 बजे मॉर्निंग में घर से निकलोगे, रात को 11 बजे आप घर में घुसोगे, आपका माइंड पहले से ही बहुत ज्यादा मार्केट से आपका माइंड पहले से ही भरा हुआ होगा, और घर में आप बोलेंगे कि ये ला दो वो ला दो, सामने से आपकी पत्नी जली भुंजी बैठी है, एक तो इतना लेट आए हैं, घर में बच्चे का बर्थडे था और बर्थडे तक मनाने, बर्थडे वाले दिन तक आपको टाइम नहीं है, दीपावली में आपको टाइम नहीं है, होली में आपको टाइम नहीं है, मेरे रिलेशन में शादी है आपको उसमें जाने तक का टाइम नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं। अगर फैमिली के ही लिए अगर हमारे पास में टाइम नहीं है तो उस पैसे का भी कोई महत्व तो नहीं रह जाता है, उस पैसे का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके पास में हजारों करोड़ों रुपए का महल है, हजारों करोड़ों रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं, अगर उसको कोई बांटने वाला नहीं है, उस महल में किसी की किलकारी नहीं गूंजती है, उस महल में अगर कोई रहने वाला नहीं है,
आपने पैसा तो कमाया लेकिन अकेले रह गए, तो फिर आपने वो सक्सेस भी हासिल नहीं की। पैसे को आपने कमाया लेकिन लोगों को आपने गवा दिया। ये है ऑफलाइन की पावर, आप समझिए। ऑनलाइन की पावर पे आ जाइए। अब ऑनलाइन में आज हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर नेमराज सर का बर्थडे है। मैं उनको बारंबार विश कर रहा हूँ और हर बार मैं जब भी सेशन ले रहा हूँ तब उनको विश कर रहा हूँ। 1000 लोग नहीं, पूरा इंडिया उनका बर्थडे मना रहा है, पूरा इंडिया उनको बर्थडे मना रहा है। और अगर हम ऑफलाइन में होते तो कितने लोग उनका बर्थडे मना पाते, कितने लोग हम कॉल कर पाते सर, कितनों की कॉल सुन पाते, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों की, 20 लोगों की, वो भी इरिटेट हो जाते और कॉल को क्या है अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेते और फ्लाइट मोड पे लगा देते कि अरे इतने कॉल आ रहे हैं, बर्थडे मनाऊं या इन लोगों की विश पूरी करूं। आज वो 1 मिनट सेशन में आते हैं, 1 मिनट सेशन को लेकर अगर वो सबको बोल देते हैं कि थैंक यू सो मच माय टीम, आप सभी लोगों ने मेरे को जो विशेष दी है मेरे जन्मदिन की, ठीक है, उसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, 1000 लोगों को थैंक यू आ गया, 1000 लोगों ने उनको विश कर दिया। ये है ऑनलाइन की पावर, ठीक। आज वो अपने डे को एंजॉय कर रहे हैं और आज सेशन कौन ले रहा है, आज सेशन मैं ले रहा हूं। ये है ऑनलाइन की पावर, यानी कि आपको एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी है और आपके हजारों करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है वो तुरंत संभल गया। ऑफलाइन में क्या होता, अगर ऑफलाइन में हम लोग कोई ट्रेनिंग देने जाते, बाय चांस वहां पे हमारे नेमराज सर या रामदेव सर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते, ट्रैफिक में फंस जाते या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, समय पे वो लोग नहीं पहुंच पाते, अगर 1 घंटे भी लेट हो जाते तो वहां पे जो हजारों लोग ऑफलाइन उनको सुनने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए गए, क्या होता, सब लोग मायूस हो जाते। आज यहाँ पे क्या है, आज यहाँ पे आपको पता भी नहीं चला कि सेशन के पीछे क्या हुआ, किसने किसको जिम्मेदारी दी, और आज वो ऑफलाइन, आज इस ऑनलाइन आप इस मीटिंग को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन की पावर को हमें समझना पड़ेगा। ऑनलाइन की पावर में हमें करना क्या है, आज तक हम जो वर्क करते आए हैं सिर्फ वही करना है। हम जो इस लेफ्ट जेब में रख के मोबाइल हम चलते थे उसको राइट वाली जेब में रख के चलना है। मतलब आज तक जो हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जो मैसेज सिर्फ हम हेलो हाय के लिए भेजते थे, अपने कहीं पोस्ट व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे हम लोग यूज करते थे, अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है, उसके लिए बिजनेस के लिए यूज करना है। फेसबुक को बिजनेस के लिए यूज करना है, इंस्टाग्राम को बिजनेस के लिए यूज करना है। बहुत से लोग कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। वहां पे जो लोग रील्स बनाते हैं वो लोग वहां एंजॉय करने नहीं आते हैं, वो लोग वहां पे पैसा कमाने आते हैं। उन्हें पता है मैंने अगर एक वीडियो डाल दिया, अगर मिलियंस व्यूज पहुंच गए तो लाखों रुपए उनके अकाउंट में। हम लोग क्या करते हैं, उनको बस देख के एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन का इतना बड़ा खेल है, हम लोग इस इंडस्ट्रीज को कब समझ पाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आता कि इंडिया की इतनी बड़ी जनरेशन है, 140 करोड़ प्लस हम लोग होने वाले हैं, और हम लोग अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी सोच को चेंज नहीं कर रहे हैं। जब तक हम सोच को चेंज नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। डायनासोर अपने लिए चेंज नहीं कर पाया, इसलिए वो विलुप्त हो गया और कभी वो आ भी नहीं पाया। तो हम लोगों को क्या है, जैसी सिचुएशन हो हमें तुरंत वैसे बदल देना चाहिए। वैसे नहीं, लोग आप समझ रहे होंगे कि और तरीके से बदलना है। जैसे मान लो अगर हमारा सेशन है, तुरंत सेशन में आना चाहिए। हमें लोगों को इसकी ऑनलाइन की पावर समझानी चाहिए। हम एक कम्युनिटी हैं और कम्युनिटी के साथ में हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस की पूरी दुनिया में डंका मचा देना चाहिए कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, मत पड़ो ऑफलाइन के चक्कर में। आप ऑफलाइन कितना कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप खुद अपने आप से सोच के देखिए। मान लीजिए अभी मैं बरेली में बैठा हूं और यहाँ पे कोई शख्स बैठे हैं जो दिल्ली से हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ सर 10 मिनट के अंदर आपको बरेली आना है, मेरे साथ में 5 लोग बैठे हैं, इनको प्लान देना है, आ पाएंगे आप लोग? नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ सर ऐसा है मेरे साथ में 50 लोग जूम पर आना चाहते हैं, आप आ जाएंगे? आप तुरंत हाँ कर देंगे, क्योंकि आपको जूम पर ही तो आना है, आपको 20 से 25 मिनट जूम पर ही तो बोलना है। अगर आज हम रामदेव सर को या नेमराज सर को अपने सेशन में बुलाना चाहते हैं
तो सर को सिर्फ एक मैसेज या कॉल ही तो डालनी है कि सर आज हमारा सेशन है और हमारे हमारे भी सेशन में आइए और हमारे कुछ लीडर्स को सिखाइए, तो सर आ जाएंगे। लेकिन अगर वही मैं रामदेव सर को कॉल करूं और अपने ग्रेट मेंटर नेमराज सर को कॉल करूं या फिर यादवेंद्र सर राजेंद्र सर को कॉल करूं कि सर आपको राजस्थान से और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से चल के बरेली आना है और 20 लोगों को समझाना है, सर आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब तक 20 लोगों को समझाने के लिए बरेली पहुंचूंगा तब तक मैं 20 सेशन 1,000 लोगों के कर दूंगा और उसमें से मेरा 10% का भी रेशियो निकल गया तो 1,000 लोगों के 10 सेशन का मतलब होता है 10,000, यानी कि वो 1,000 लोगों को अपनी टीम में जोड़ चुके होंगे जब तक वो बरेली पहुंचेंगे। ये है ऑनलाइन बिजनेस की पावर। ऑफलाइन बिजनेस की पावर, अगर मैंने उनको यहाँ पे बुलाया प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, 20 लोगों में अगर वो आ भी गए और उनके जाने के बाद एक भी ज्वाइन नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आया? 0। ठीक है, ऑफलाइन काम करेंगे हम लोग, एलडीपी करेंगे ना, एलडीपी करेंगे, अपनी टीम ऑनलाइन बनाएंगे, वहां से हम लोग अपनी इनकम जनरेट करेंगे और अपने लीडर्स पैदा करेंगे ऑनलाइन में। ना जाने आज रामदेव सर और नेमराज सर ने हजारों लीडर्स पैदा कर दिया, हजारों लीडर्स बना दिए, मेरे जैसे ना जाने हजारों लोगों को बना दिया, मेरे से भी बेहतर लोगों को बना दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 0 हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस सीख रहा हूँ और वही सीखते सीखते आप लोगों को बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखा नहीं रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आगे बढ़िए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में हमें खुद अंतर समझना होगा कि हम लोग कितना पैसा बचा सकते हैं और वो जो बचा हुआ पैसा है वो हम लोग अपनी फैमिली को खुशी खुशी खुशियां दे सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरे दिन मेरे को बाइक चलानी है, 200-300 रुपए का पेट्रोल अगर मैंने बाइक में खर्च कर दिया या कार में चला रहा हूँ तो 1,000 रुपए का पेट्रोल मैंने कार में खर्च कर दिया, वो 1,000 रुपए का कोई गिफ्ट मैं अपने घर में लाके दे सकता हूँ, फैमिली भी खुश और मैं भी खुश और पड़ोसी भी खुश कि बंदा है फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से सोच रहा है। आपका ऑफलाइन में पैसा ज्यादा नहीं बचेगा, आप सोच के देखिए। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते थे चेक बनता था 10,000 रुपए का, मिलता था 15 दिन बाद, पता चला 8,000 रुपए का तो कर्जा ही हो गया क्योंकि किसी से ले लेके हमने पेट्रोल में ही खर्च कर दिया। अब वो 10,000 रुपए का चेक लेके हम एक महीने तक डोल रहे हैं कि सर देखो पिछले महीने का चेक मेरा 10,000 का था, कि सर देखो पिछले महीने का चेक मेरा 10,000 का था। लेकिन ये कौन बताता है कि इसमें से 9,000 रुपए मैं फील्ड में खर्च कर चुका हूँ, 1,000 बचे हैं। 1,000 रुपए खर्च करने के लिए, 1,000 रुपए कमाने के लिए आपने 9,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया डियर फ्रेंड्स ऑफलाइन में, और फोर्सेज में अगर आपको ऑनलाइन 1,000 रुपए कमाना है, 2,000 रुपए की आईडी लगाइए, 1,250 रुपए आप अपने अकाउंट में विद इन सेकेंड ट्रांसफर करिए। ये है ऑनलाइन की पावर। ऑफलाइन की पावर आपको मैंने समझा दी, 9,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, आया तो 10,000 लेकिन बचा 1,000। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोगों को अपने ऑनलाइन बिजनेस को जितना जल्दी हो सके उतना मजबूत करिए। अगर आप अपने बिजनेस को मजबूत नहीं कर सकते तो आप अपने अपलाइन का सहारा लीजिए और उनसे बात करिए कि सर मेरे को ये कमी आ रही है या फिर मैं यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, सर इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। नॉलेज कोई अपने आप नहीं देता है, नॉलेज छीनी जाती है। हक कोई अपने आप नहीं देता है, हक छीनना पड़ता है, और जीत के आगे तो हर इंसान को झुकना पड़ता है। जिद्दी बनिए अपनी लाइफ में, जब तक आप जिद्दी नहीं बनेंगे, जिद पालना सीखिए, किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने आप से सेल्फ जिद्दी बनिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं सक्सेस होके रहूंगा, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इससे भी बेस्ट अगर काम सरल, इससे भी सरल अगर काम करने को आपको मिल जाए तो सोच के देखिए डियर फ्रेंड्स। आज मेरी फोर्सेज में जो अर्निंग है, आप लोगों की जो अर्निंग है वो ऑनलाइन के माध्यम से है, जरा आप उधर नजर डाल के देखिए ऑफलाइन वाले वर्क पे लोग क्या कर रहे हैं। 300-400 रुपए की मजदूरी के लिए 10 घंटे काम करते हैं और एक घर बनाने वाले मिस्त्री के साथ में मसाला और ईंटें ढोते हैं, जरा उनकी तरफ नजर डाल के देखिए
डियर फ्रेंड्स, चलो ठीक है, आपकी नॉलेज थोड़ी अच्छी है, आप थोड़े कंप्यूटर में अच्छे हैं, आप डॉक्टर हैं थोड़े, और आप सोच के देखिए कि एक बार कि जो व्यक्ति कंप्यूटर में बैठ के 25-30 हजार रुपए की नौकरी ले रहा है, उसको कितना दिमाग वहां पे खर्च करना पड़ता है वो काम करने वाले हो आप, अगर फोर्सेज में ऑनलाइन नहीं आए तो, फोर्सेज की ऑनलाइन सिस्टम के अगर पावर को आपने नहीं समझा। हम अपने पास्ट को इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि अगर ऑनलाइन आपने फोर्सेज में 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमा लिया, तो आप सोचते हो कि मैं तो बस कंफर्ट जोन में चला जाऊं, अब मेरा काम हो जाएगा, मेरी टीम काम कर रही है, अब मैं तो करोड़पति बन गया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। ये चीज अगर आप सोचेंगे तो डियर फ्रेंड्स, आप डेप्थ में जा रहे हो, आप बहुत नीचे जा रहे हो, और ज्यादा बड़ा आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने 5 लाख कमाया है, आप सोच के देखिए, अगर आपने 5 लाख कमाया तो उसको 50 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है, ये अंबानी से सीखिए। ठीक है, उसने शुरुआत में जियो की सिम क्या कर दी, फ्री में बांटी थी, और आज उसका 36 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। अगर हर व्यक्ति रिचार्ज करता है तो वो 36 करोड़ रुपए भी अगर एक व्यक्ति से महीने में 1 रुपए कमाता है तो 36 करोड़ कमा रहा है। कब समझोगे आप इस ऑनलाइन की पावर को, आप गूगल पे की पावर को समझिए। अगर आप लोग 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो गूगल पे 1% लेता है बैंक वालों से। अगर मैं सिर्फ ओनली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 3 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 1 करोड़ लोग भी अगर हर महीने 10,000 का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए हमारा विदेश जा रहा है। गूगल पे हमारे घर का तो है नहीं, विदेशी ऐप है, हमारा 100 करोड़ वो विदेश लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है, क्या हमारे अंदर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की कमी आ गई है, क्या हम लोग अपने देश में ऑनलाइन वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सोचते हैं फोर्सेज में मैं काम करूंगा तो अपलाइन को पैसा जाएगा ऑनलाइन वर्क करने से, ऑफलाइन में सोच के देखिए आप लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, एक दुकान वाले को आप अरबपति बना रहे हैं, और आप खुद क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को बेफालतू जगह खर्च कर रहे हैं। मुझे वाइक में या कार में ऑफलाइन वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, है जरूरत, LDP करूंगा, अपनी टीम बना लूंगा, 2-2.5 हजार लोगों की, 5,000 लोगों की टीम बना लूंगा, 50,000 लोगों की टीम बना लूंगा, यादवेंद्र सर की तरह मैं 2 लाख की टीम बना लूंगा, तो 1-1 हजार लोगों का मैं LDP करूंगा 3-4 महीने के अंदर, और सब उसमें करोड़पति और लखपतियों को बुलाऊंगा। ये डिसीजन लीजिए आप, इस तरीके से डेडिकेशन के साथ में ऑनलाइन वर्क करिए। ऑफलाइन का अंतर आप लोगों को समझ में आया, कितना खतरनाक हो सकता है, सही भी हो सकता है। हाँ, ऑफलाइन आप जा सकते हैं, मैं बताऊं ऑफलाइन आप किन लोगों के पास जा सकते हैं, आपके कोई मित्र हैं, आसपास के मिलने वाले हैं, अगर आपके घर के आसपास रहते हैं, 2-4 किलोमीटर, 10-5 किलोमीटर दूरी में रह सकते हैं, जैसे मेरे पास में प्रेम सर रहते हैं, 4-5 किलोमीटर का अंतर है, मैं चट से जाऊंगा और उनके साथ में वहीं बैठ के सेशन ले लूंगा और उनसे सारी बातें समझा आऊंगा। लेकिन आप सोच रहे हैं मैं 50 किलोमीटर जाके, 20 किलोमीटर जाके आप ऑफलाइन काम करेंगे, तो ये रिस्की हो जाएगा खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को ऑनलाइन ही वर्क करना है, और ऑनलाइन वर्क करते करते हमको आगे बढ़ना है। कैसे करना है वो आपको समझा चुका हूं मैं। अपने फेसबुक पेज को और मजबूत करिए, अपने इंस्टाग्राम आईडी को और मजबूत करिए, अपने यूट्यूब चैनल को और मजबूत करिए, अपने व्हाट्सएप को और मजबूत करिए, अपनी प्रोफाइल और बेहतर बनाइए, और उस पर नई नई टेक्निक सीखिए। यूट्यूब हमारे लिए सीखने के लिए है, लेकिन हम लोग सीखते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ किस पे लग जाते हैं, पैसा कमाने पे, सीखने पे ध्यान नहीं है किसी का। और जिस दिन सीख लोगे यार, एक बारी तो सीखना है, अच्छे से सीख लिया, पोस्टर डिजाइन करना आ गया, लोगों को समझाना आ गया, लोगों को प्लान जूम पर देना आ गया, जूम की पूरी ट्रेनिंग आपको देनी आ गई, ट्रस्ट वैलिड कैसे काम करता है इसको ऑनलाइन आपने समझा दिया। आप जानते हैं इंस्टाग्राम ने ट्रस्ट वैलिड को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए कहा है कि आज से हम लोग क्रिप्टो करेंसी में जो भी अमाउंट होगा वो देंगे, इनकम हम क्रिप्टो करेंसी में देंगे। तो सोच के देखिए कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ऑनलाइन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और पूरी दुनिया इस मोबाइल के अंदर सिकुड़ रही है। आप सोच के देखिए, आपका खुद का मोबाइल है, आपको बिना बताए अगर मैं 2 दिन के लिए आपका मोबाइल बंद कर दूं, कहीं छुपा के रख दूं, आप पागल हो जाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, मेरा फोन कहाँ गया, चाहे है उसमें कुछ नहीं, आपके कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका दिल सबसे ज्यादा आप प्यार करते हो तो वो मोबाइल को करते हो।
जो लोग बोलते हैं ना मैं गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, नहीं करते, आप सबसे ज्यादा प्यार मोबाइल को करते हो, क्योंकि मोबाइल से आज आपकी दुनिया जुड़ चुकी है, मोबाइल से आज आप जीते हो, मोबाइल के लिए जीते हो, मोबाइल के लिए मरते हो। तो इस सिस्टम को समझो कि उस व्यक्ति ने आपको मोबाइल दे दिया, उस व्यक्ति ने आपको इंटरनेट का क्या बना दिया। भगत सर की बात याद आ जाती है, कीड़ा। तो डियर फ्रेंड्स, ये कीड़ा निकलना नहीं चाहिए ऑनलाइन वाला, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको अगर वर्क करना है तो मेहनत से करिए और ऑनलाइन ही करिए। ऑफलाइन कितना डेंजरस हो सकता है, सही भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों में अंतर बता दिया कि ऑफलाइन वर्क करने, क्योंकि मैंने खुद किया है, मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कोई किताब रखी है तो मैं उसको पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन में हमको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन की आप इंडस्ट्रीज को सर्च करिए कि ऑनलाइन इंडस्ट्रीज कितनी आगे बढ़ चुकी है। आज आप जोमेटो को देख लीजिए, स्विगी को देख लीजिए, ठीक है। आज आप पेपाल को अगर जानते होंगे, जो विदेशों में चलता है, पेपाल को देख लीजिए, ठीक है। आप फोन पे को देख लीजिए, आप अमेजोन पे को देख लीजिए, अमेजोन की इंडस्ट्रीज देख लीजिए उठा के। इन सारी चीजों को देखा करो यार, बाइनेंस के सीईओ को सर्च करा करो कि उस व्यक्ति ने कितना बड़ा इतिहास रच दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग इन चीजों को सीखते नहीं, हम लोग किस पे हैं, पैसा कमाने पे। बस फोर्सेज में करोड़ कैसे आ जाए, एक बार में कहीं से टपक जाए, एकदम से मेरे अकाउंट में आके गिर जाए, मेरे ट्रस्ट वैलेट पे, और मैं करोड़पति बन गया। डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं। आपको जो आधार होता है ऑनलाइन वर्क करने का, जो आधार से आप वर्क करेंगे, वही आधार से आप आगे बढ़ेंगे। हमारा सबसे मेन काम क्या होता है फोर्सेज में, सबसे पहला काम क्या होता है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ऑनलाइन में सबसे पहला काम होता है सामने वाले के फोन में जूम डाउनलोड कराना और उसको प्रॉपर तरीके से सिखाना। क्योंकि अगर जूम व्यक्ति ने चलाना सीख लिया तो समझो उसने फोर्सेज को सीख लिया, फोर्सेज को उसने कर लिया। क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, एक दो बार इंसान करता है सीख जाता है। हमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही सीखी हैं। आज मैं अगर मिल पाया हूँ, अगर आज यहाँ पे 1000 लोगों की कम्युनिटी बैठी है तो वो ऑफलाइन की वजह से नहीं बैठी है। शायद ऑफलाइन में किसी की भी टीम इतनी बड़ी नहीं है, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, जो एक साल के अंदर किसी ने 2 लाख का नेटवर्क क्रिएट किया हो। ऑफलाइन में कोई भी आप इंडस्ट्रीज देख लीजिए, कोई भी आप सिस्टम देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को उठा के देख लीजिए, 2 लाख का नेटवर्क 1-1.5 साल के अंदर किसने बनाया है, वो हमारे यादवेंद्र सर ने करके दिखा दिया यार। ऑनलाइन की पावर है, ऑफलाइन क्या कर पाते। कभी महेंद्र मौर्य से मिलने आ सकते थे, उन्हें क्या सपने आ रहे थे महेंद्र मौर्य बरेली में रहता है और उस इंसान के साथ में चलना चाहिए, वो मेरी टीम में ज्वाइन होगा। उन्हें तो तब पता चला था जब हम पहली बार उदयपुर उनसे मिले थे, उदयपुर LDP में, कि हाँ बरेली से भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है। उनको ना जाने कितने लोगों के तो चेहरे और नाम याद नहीं है कि कौन कौन उनकी टीम में काम कर रहा है। ये है ऑनलाइन की पावर। और ऑफलाइन में सर फॉर्म लेके जाइए, उनको फिलअप कराइए कि सर आज रजिस्ट्रेशन फीस है। यार कितना झूठ बोल के हमने वो लोग ऑफलाइन में पैसा कमा लेते हैं लोगों से। आज तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या किया है, सर 300 रुपए रजिस्ट्रेशन का जाएगा, जाता कुछ भी नहीं था क्योंकि पेट्रोल का पैसा भी तो वहीं से निकालना था। तो ये सारी चीजें आप समझिए, फोर्सेज में आप ईमानदारी के साथ में काम कर पाएंगे, आपको बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऑनेस्टली के साथ में काम कर पाएंगे, इसलिए हमको ऑनलाइन करना है, ठीक। अगर किसी व्यक्ति को हम लोग डॉलर भेज रहे हैं तो ऑनलाइन ही भेजते हैं, ऑफलाइन उसको भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। जब हमारा सारा टोटली काम ऑनलाइन है तो हमको फिर ऑफलाइन में दिमाग क्यों लगाना, हमें बेटर करना है ऑनलाइन में, क्योंकि बेटर ही है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन में जाइए, जब आपका कोई अचीवमेंट, आपका लीडर ले रहा हो, कार ले रहा हो, तो उससे कहिएगा आ रहे हैं मिठाई खाने, बस ऐसे मौके पे जाइए। उसकी शादी में जाइए, ठीक है। उसके घर पे बर्थडे है, आसपास रहता है तो बर्थडे में जाइए। आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर नेमराज सर हमारे साथ में होते, हमारे पास होते, तो सर का बर्थडे मैं धूमधाम से मनाता, लेकिन सिर्फ बिस ही कर सकता हूँ और वो भी मैंने किया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे डियर फ्रेंड्स, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डियर फ्रेंड, बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिखाना भी पड़ेगा, हमें अपनी टीम में बहुत सारी चीजें करनी होंगी। तो आर यू रेडी, आज से सभी लोग ऑनलाइन वर्क करने के लिए रेडी हैं? आपको समझ में आया ऑफलाइन और ऑनलाइन का अंतर?
वाओ ग्रेट। तो डियर फ्रेंड्स मेरा सेशन यहीं तक का था, अब मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा माय ग्रेट एंकर मिस्टर जयनागर सर के लिए। सर आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें, वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से आपको आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमारे जीवन के बारे में, हमें आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को डेवलप कर सके, बिजनेस को बढ़ा सके, हमारे इस जीवन को किस तरीके से जिया जा सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों आज हमारे साथ में जो शख्सियत, जिस प्रकार से आप उनको सुन रहे थे, उनका डेडिकेशन, उनके काम करने का तरीका, साथियों बहुत लंबी कहानी है ये, सुबह भी अगर हो जाए ना तो पूरी कहानी नहीं होती है, इतना जुनून और जोश के साथ में काम में देखता हूँ और उनका आशीर्वाद के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। साथियों एक बार आपके सभी के हैंड रेस में डाउन करना चाहूंगा, एक बार जरूर इस डिजिटल जमाने में हैंड रेस के माध्यम से हम बताएं कि महेंद्र सर ने जो हमें सिखाया है तो क्या हम इस चीज को महसूस कर पाए, सीख पाए, समझ पाए, क्या उनके बारे में हम सोचते हैं। तो एक बार सर को महसूस हो जाना चाहिए कि वास्तव में हमने सारी बातों को मान के और हम आज से हमारे लक्ष्य को और हमारी मंजिल को, हम कंप्लीट तैयार है उस मंजिल को पाने के लिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हैंडल किए हैं। साथियों समय का अभाव है लेकिन इस मंजिल के बारे में दो लाइन में कहना चाहूंगा कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा, तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत से दम है तुम मिटा कर दिखा। बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि हमारे किस्मत में लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, तो ये दो लाइनें उनके लिए थी। इन दो लाइनों के माध्यम से अपनी शक्ति को अपन याद दिला सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं साथियों जो असंभव, सारे काम संभव है, सब हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का और सभी ने हैंडल किया है। साथ ही मैं अब चाहूंगा हमारे सभी कोस्ट साथियों से आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन मिला है उनके बारे में उन्होंने किस प्रकार से दिया, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं हमारी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए। तो अब मैं इनवाइट करने वाला हूं हमारे जबरदस्त लीडर जो कि यूपी से, श्रीमान शिवम सर, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है और आइए मार्गदर्शित कीजिए सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर है सर आवाज, क्लियर, कंटिन्यू। थैंक यू, गुड आफ्टरनून दोस्तों, एंड सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग खुश रहें और खूब तरक्की करें। और थैंक यू मिस्टर जय नागर सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, और बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर महेंद्र सर को, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार सर ने आज एक एक पॉइंट को कवर किया है, एक एक नॉलेज दिया है हम लोगों को। अगर हम लोगों ने इस बिजनेस को सीरियसली ज्वाइन किया है तो दोस्तों हमें करना भी सीरियसली चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं काम करने से। और सर ने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से मैं इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ दोस्तों, 2012 से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ और 2022 तक हम लोगों ने फील्ड का ही काम किया। तो जितना कमाते थे क्या होता था, खर्च हो जाता था, अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 खर्च हो जाता था। अगर हमारी कमाई घट गई, मान लिया जाए कमाई हो रही है आपकी 10,000, 15,000, 20,000, बट खर्चे एक थे, बढ़ गए थे तो वो होने थे। अगर आप कमाई कम भी करोगे फिर भी आपके खर्चे ज्यादा ही होंगे, चाहे आप कमाओ मत कमाओ, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस का वही था सेम। तो फोर्सेज हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खर्चा कोई नहीं है, अपने घर पे बैठकर आराम से करो, जहां भी आप हो वहां कर सकते हो, और कोई आपका खर्चा नहीं है, सिर्फ इस बिजनेस को करना है सीरियसली। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल चुकी है तो हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए दोस्तों, सीरियसली वर्क करना चाहिए। और आज हम सभी लीडर्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप लोग भी कमाइए, बहुत अच्छा सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको अपनी टीम को भी सिखाइए और देखिए फिर आपको कामयाबी मिलने लगेगी। तो इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर, आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी है, और आगामी हमारा जबरदस्त लीडर है और भी कोच साथी है,
हरपाल गंगवार सर, प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले सबके लिए, सभी के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और महेंद्र सर के बारे में बात की जाए, आज मेरी जो भी टीम है, 650 लोगों का करीब टीम है, सर की ही देन है, सर के बदौलत आज मेरा टीम हो पाया। सर का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, कुछ सब नहीं मेरे पास सर के लिए। और जब भी मेरे सर का सेशन होता है मैं कभी नहीं छोड़ता हूं, बहुत अच्छे से सर सिखाते हैं, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। और बहुत अच्छे से आज सर ने अपना डिफरेंस बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन में। और डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करीब 4 महीने से बिल्ड कर रहा हूँ, अच्छा खासा, मतलब अगर फोर्साज की नजर से देखा जाए तो कोई भी इनकम नहीं कर पाया, बट अदर मार्केट की नजर से देखा जाए तो करीब बहुत अच्छी अर्निंग भी की है। अगर फोर्साज की नजर से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो बात की जाए, करीब 5.5 लाख रुपए की अर्निंग भी कर चुका हूँ फोर्साज से 4 महीने के अंदर। तो ये सिस्टम की पावर है, मेरी कोई पावर नहीं है, बट और डेडिकेशन सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में। डेडिकेशन से अगर आप काम करेंगे, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता है, बट आपका अगर डेडिकेशन है तो 100% आप उसमें सफल होंगे। तो थैंक यू सो मच जलाल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय का अभाव है। साथियों सभी से निवेदन है, मेरा कोच साथियों से, कि एक एक मिनट में अपनी बात को रख के और अपन आगे के काम को देखना है, क्योंकि हमें करोड़पति अरबपति बनना है। तो हमारे साथ में हनीफ खान सर, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर, अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। साथियों, हमें एक लक्ष्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम हनीफ खान फ्रॉम जैसलमेर से, और आज का जो सेशन महेंद्र मौर्य सर ने लिया, बहुत ही शानदार लाजवाब रहा है सेशन, क्योंकि जो भी सर ने जो चीजें बताई है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, क्योंकि हमने भी एज ए ऑफलाइन में काम किया था, बताया जाता था कि ये काम स्मार्ट वर्क है, लेकिन रियल में वो काम हार्ड वर्क था और हम हार्ड वर्क तरीके से काम करते थे। लेकिन फोर्साज का जो बिजनेस है ये साथियों एक ऑनलाइन बिजनेस है, जिसको हम एक स्मूथ वर्क से कर सकते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और स्मूथ वर्क। जब हम स्मूथ वर्क से इस बिजनेस को करेंगे तो हमारे माइंड पे कोई ज्यादा डिप्रेशन नहीं होगा, हमारा माइंड ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ओपन माइंड से अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो और भी तेजी से करेंगे और तेजी से अपने सपनों को कम आउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त आवाज में आपने सारी बात अपनी शॉर्ट के माध्यम से बता दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हमारे आगामी जबरदस्त लीडर है, साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट में बहुत बड़ी सूचना आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी बात मिल सकती है, एक शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को आपको महसूस करना है। इसलिए आगामी हमारा जबरदस्त लीडर है गौरी शंकर जी सर, प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। गौरी शंकर जी सर, अगर आप, धन्यवाद सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर, कंटिन्यू कर सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, मुझे विश्व के नंबर वन प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मैं मिस्टर महेंद्र मौर्य सर का करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन की पावर को बताया और असमानता समानता करके दिखाई, तो मेरे को बहुत ही जबरदस्त समझ में आई। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर और लीडरों को भी बहुत जबरदस्त समझ में आई होगी। और यहाँ पर मैं एक दो लाइन कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हो तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपने डेडिकेशन के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करना है और ऑनलाइन घर बैठे कार्य करना है। हम अपने परिवार के साथ रहकर के एक कुर्सी से ना हिले तब भी हम इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, और हमें कहीं जाने की आने की जरूरत नहीं, कोई पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं है ना, ना ही कपड़े गंदे करने की जरूरत है, ना ही अपन को चप्पल घिसने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, इसे जोर और जबरदस्त और दिल और दिमाग से करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर, माइसेल्फ गौरी शंकर, एमपी शोपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों समय इशारा कर रहा है, हमारा हमारी मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल के लिए काफी स्ट्रगल करने हैं। तो आज थोड़ा सा महसूस सभी साथियों को करवाना है कि आज 10,000 प्लस अर्निंग किन किन साथियों ने की है, तो प्लीज हैंड रेज करें।
आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन में अगर सभी साथियों को पता चल जाए कि वास्तव में 10,000 कमाए हैं, 24 घंटे की अर्निंग अपन बता सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं कि हाँ हमने कमाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका सभी का, बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब साथ रहें और संगठन में शक्ति होती है, और संगठन के माध्यम से जब हम काम करते हैं बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ये लेवल का अंदाजा हमें पिछले 5 महीने के अंदर हमें हो चुका है। साथियों किसी का कमेंट भी आया था, कमेंट भी आते रहते हैं, टीम कैसे बनाए, कैसे वर्क करें, कैसे क्या करें, इसका सब टोटल बातों का सारांश एक रहता है, ज्यादा से ज्यादा सीखना और ज्यादा से ज्यादा सिखाना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग सेशन अटेंड करवाना। साथियों कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द को बोल के या लिख के अगर हम या आप हमें लिख के दे दें कि ये शब्द रख लो इससे काम हो जाएगा। लास्ट में एक बात और मेरे मन में आती है जो बार बार मेरे सभी साथियों को कहता हूं कि बात करने से बात बनती है। साथियों एक बार रिपीट कर रहा हूं, बात करने से बात बनती है। अगर हम जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतने ज्यादा कमाल होने वाले हैं। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं और आज के इस सेशन में आप सभी आए, सभी ने अपने कीमती समय को दिया है, आप सभी साथियों को, सभी सीनियर लीडर्स को, सभी हमारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको अग्रिम इस 2023 में अपने जल्द को बताने के। जय नागर सर, माफी चाहूंगा इंडिकेट करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे को पता नहीं था 2 बजे वाले सेशन में कौन कौन पोस्ट बनते हैं, क्योंकि मैं भी सेशन में पर डे आता हूं, लेकिन रामदेव सर ने मुझे जिम्मेदारी दी, नेमराज सर ने जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगा। तो आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा जो लोग यहां पे कोहोस्ट बनते थे, क्योंकि मैं भी कोहोस्ट बनता हूं तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि 50,000 लोगों की सर की टीम है, कौन कौन यहाँ पे कोहोस्ट बनते हैं। अगर आप आज कोहोस्ट नहीं बन पाए हैं तो सर उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। और आप सभी लोग जो सेशन लिया है उस सेशन का मजा लीजिए, और मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे सेम लिंक सेम आईडी पासवर्ड के साथ में। तब तक आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, लाखों डॉलर्स की आप अर्निंग कर रहे हैं शाम तक।